मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल जोरों पर है। इसकी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल आना। कैसे महाराज भोपाल और मध्य प्रदेश में आते ही रहते हैं, पर इस बार बात कुछ अलग है। 12 दिनों में दूसरी बार सिंधिया भोपाल आए। हालांकि कहा जा रहा है कि ये दौरा किसी बड़े राजनीतिक फैसले का पर्याय नहीं बनेगा, पर सिंधिया का 2020 वाला इतिहास उनके हर दौरे को बना देता है खास। 2020 में मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस बाउंसर पर सिंधिया ने छक्का जड़ा था, उसमें उससे कमलनाथ और उनकी पार्टी के होश उड़ गए थे। कहा जाता है कि इस बार जब सिंधिया भोपाल आए, तब देर रात तक उनकी नरोत्तम मिश्रा के साथ अहम बैठक चली। इस बैठक में क्या तय हुआ, इसकी जानकारी तो साफ साफ नहीं मिल पाई है, पर लगता है मध्य प्रदेश में फिर से किसी बड़ी राजनीतिक सर्जरी की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो 11 जून को मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा के घर जब सिंधिया ने आकर पहली मुलाकात की, तभी विरोधी खेमे के कई विधायक उनके संपर्क में थे। ऐसा मालूम होता है कि शायद फिर से विधायक से भरी बसों को पूरी सुरक्षा के साथ 5-स्टार होटल में जाते हुए देखना नसीब हो सकता है। तो क्या एक बार फिर मध्य प्रदेश में विधायकों को महंगे 5-स्टार होटल में ठहरने का मौका मिलेगा? क्या फिर से एक बार देश में लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े 5-स्टार होटल में रौनक लौटेगी और विधायक जी को अपना खोया हुआ सम्मान मिल पाएगा? ये आने वाला समय बताएगा। एक बात तो तय है, सिंधिया जब भी आते हैं हलचल मचाते हैं। प्रिया आनंद, इंडिया खबर लाइव।